नमस्कार, मैं गौरी आप सभी का स्वागत करती हूं। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। हाथरस का हादसा सबक है जनता के लिए, प्रशासन के लिए और पूरे सिस्टम के लिए कि भैया अब बहुत हुआ, अब बाबाओं से जरा बचकर रहो। हाथरस में हुए हादसे ने एक बार फिर से स्वयंभू बाबाओं का तिलिस्म पर सोचने को मजबूर कर दिया है कि आखिर ये बाबा कैसे समाज में अपना वर्चस्व बना लेते हैं। स्वयंभू बाबाओं से मतलब है उन बाबाओं से जो खुद को भगवान बताते हैं, कभी चटनी खिलाकर समस्या दूर करते हैं तो कभी औरतों के साथ जिस्म का खेल खेलते हैं तो कभी अपनी चरणों की धूल को प्रसाद बताते हैं। ऐसे बाबाओं के चंगुल में देश कई बार फंसा है, तो चलिए देखिए रिपोर्ट, जानिए कैसे इस देश में स्वयंभू बाबाओं ने लोगों को ठगा। हाँ भाई, कहाँ से आप आए? मैं बॉम्बे में ही रहता हूँ, राजस्थान का हूँ। ये बताओ, नूडल्स कब खाए हैं आपने? अभी 10-15 दिन पहले खाए। बनाने आते हैं कि नहीं? जी आते हैं। अपने हाथों से बनाए कितना समय हुआ है? मैं ज़्यादातर अपने हाथों से ही बनाता हूँ, मैं ही बनाता हूँ। अब बना करके दो चार गरीबों में बांट देना। और एक ये जो रबड़ की चप्पल है, हाँ अभी कल परसों ही लेकर आए। भाई कितने वाली ली थी? वो एक्चुअली टॉयलेट के बाहर रखने के लिए लेकर आए थे, तो सस्ती वाली ली थी, अब थोड़ी सी महंगी ले आना। ये है अब तक के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए निर्मल बाबा। निर्मल बाबा अपने प्रवचन में जिस तरह की सलाह देते थे उसके लिए भी उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। ऐसा ही एक डायबिटीज पेशेंट को निर्मल बाबा ने खीर खाने की सलाह दी थी, जिसके बाद भक्त ने आरोप लगाया कि खीर खाने के से उसका ब्लड शुगर बढ़ गया और तबीयत और बिगड़ गई, और इस आरोप में निर्मल बाबा को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा भी निर्मल बाबा के खिलाफ देश विदेश में धोखाधड़ी की कई शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। केवल निर्मल बाबा की नहीं, केवल निर्मल बाबा ही नहीं, इस लिस्ट में कई नाम शामिल हैं। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम, आसाराम, नारायण साई, राधे माँ और ना जाने कितने। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने 2017 में 14 ऐसे फर्जी बाबाओं की लिस्ट तैयार की थी जो मनी लॉन्ड्रिंग, रेप, हत्या के मामलों में आरोपी रहे थे और लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर थे। गुरमीत राम रहीम, आसाराम, नारायण साई, राधेमा, रामपाल स्वामी, असीमानंद स्वामी, सचिदानंद, ओम स्वामी, निर्मल बाबा, इच्छाधारी भीमानंद, आचार्य कुशमुनि, बृहस्पति गिरी और मलखान सिंह। इसमें से गुरमीत राम रहीम और आसाराम दोनों पर यौन शोषण के कई मामले दर्ज हैं। दोनों का नाम अय्याश बाबा के रूप में प्रचलित हो चुका है। तो वहीं राधे माँ के किस्से तो सबसे अलग हैं। सुखविंदर कौर यानी राधे माँ भी खूब विवादों में फंसी। शुरुआत में उन्होंने पंजाब में अपना दरबार लगाना शुरू किया, फिर समय के साथ वो प्रसिद्ध हुई और उन्होंने मुंबई में अपना दरबार लगाना शुरू किया। साल 2015 में राधे माँ की मिनी स्कर्ट में फोटो वायरल हुई, जिसके बाद बवाल कटा। अब हाथरस में भोले बाबा का नाम सामने आने के बाद एक बार फिर इन बाबाओं का जिक्र होने लगा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लोग इन बाबाओं के चंगुल में फंसते कैसे हैं? तो बता दें कि स्टडी के मुताबिक ज्यादातर लोग भगवान के अवतार में यकीन करते हैं। बाबा लोग इसी अवतारवाद का फायदा उठाते हैं और श्रद्धालुओं को डराते हैं। ज्यादातर लोग अपने दोस्तों की बदौलत ऐसे बाबाओं के संपर्क में आते हैं। टीवी के जरिए करीब 28% लोगों को ऐसे सत्संग या बाबा के बारे में पता चलता है, जबकि 25% को इंटरनेट से ये जानकारी होती है। महज 13% को ही दूसरे सोर्स से ऐसे बाबाओं के बारे में जानकारी लगती है और वो कनेक्ट होते हैं। इनके सत्संग में सबसे ज्यादा 40 से 50 साल के बीच की महिलाएं पुरुष जाते हैं। सबसे कम संख्या 20 से 30 साल वालों की होती है। सोशियोलॉजिकल थ्योरी में बताया गया है कि जितने भी धार्मिक नेता होते हैं उनमें ज्यादातर चमत्कार का सहारा लेते हैं। ऐसे लोग एक समूह बनाते हैं जो उनमें आस्था रखते हैं और दूसरे लोगों को बाबा की खूबियां और उनके चमत्कार को गिनाते हैं। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। देखा जाए तो पिछले कई सालों में कई बाबाओं ने लोगों की भावनाओं के साथ जमकर खिलवाड़ किया। खासकर आसाराम और गुरमीत राम रहीम जैसे धर्म गुरुओं ने तो हद पार कर दी और इनके अधिकांश अनुयायियों का इनसे मोह भंग हो गया। राजनीतिक दलों ने भी इन धर्म गुरुओं को अहमियत देना बंद कर दिया, लेकिन कई पार्टियां अभी भी जेल में बंद बाबाओं के अनुयायियों को खुश करने के लिए समय समय पर कुछ रियायतें देती रहती हैं। हालांकि ये पर्दे के पीछे होता है, लेकिन धीरे धीरे यही बातें बाबाओं के वर्चस्व और नए बाबाओं की एंट्री के दरवाजे खोलते हैं। हाथरस वाले भोले बाबा के साथ भी कुछ यही है। पहले सियासतदारों ने बाबा को बड़ा बनाया, फिर लोगों का जमावड़ा उनके दरबार में लगने लगा और फिर हो गया ये हादसा। इसलिए जरूरी है कि ऐसे बाबाओं से अब बचा जाए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।